बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। रोबोट और कटहल से लेकर CCTV तक होंगे इस बार चुनाव चिन्ह। श्रद्धा कपूर की शादी की खबरों पर पिता शक्ति कपूर ने दिया बड़ा बयान। कंगना के बर्थडे पर फैंस के लिए गुड न्यूज। इस पूर्व CM के किरदार में आएंगी नजर। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में जब आप दिल्ली में मतदान करने जाएंगे तो आपको EVM पर रोबोट, CCTV कैमरा, कटहल, माउस, फुटबॉल भी चुनाव चिन्ह के रूप में देखने को मिल सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस बार 37 नए फ्री चुनाव चिन्ह अपनी मौजूदा सूची में जोड़े हैं। इसके साथ यह संख्या अब 199 हो गई है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन के आखिरी दिन पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा कपूर की शादी की खबरें तेजी से वायरल हो रही है। ऐसा कहा जाता था कि श्रद्धा जल्द ही अपने कथित बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठ से शादी कर सकती है। इन खबरों पर अभी तक श्रद्धा का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन उनके पिता शक्ति कपूर ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है। शक्ति कपूर ने कहा, ये सभी खबरें गलत हैं। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। श्रद्धा अभी 4-5 साल तक शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने करियर पर है। शक्ति कपूर ने आगे कहा, पहले भी श्रद्धा का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है और उनमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। मैं और रोहन के पिता अच्छे दोस्त हैं और उनकी फैमिली के साथ हमारा आना जाना है। बॉलीवुड में पिछले कई समय से बायोपिक बन रही है। इस लिस्ट में अब एक और फिल्म का नाम सामने आया है। मशहूर नेता और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक बन रही है और उसका किरदार निभाएंगी कंगना रनौत। जी हाँ, ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक कंगना जयललिता की बायोपिक में काम कर रही है। बायोपिक दो भाषाओं में बनाई जाएगी। तमिल में फिल्म का नाम थलाइवी होगा तो हिंदी में फिल्म का नाम जया होगा। दोनों भाषाओं में बन रही इस फिल्म का डायरेक्शन विजय करेंगे। विजय ने इससे पहले मद्रास पट्टनम और देवाई थिरुमलगाम जैसे मशहूर फिल्म बना चुके हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।